हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले 8 पार्ट बनाए जा चुके हैं, ये आपका 9 पार्ट है। जिन लोगों ने 8 पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक लड़का अपने हाथ में डंबल लेकर घूर्णन गति करती हुई मेज पर खड़ा हुआ है। यह यकायक मतलब एकदम से अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है, तो मेज की कोणीय गति क्या हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी? तो इसमें से आपसे पूछा है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से जे की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोणीय संवेग संरक्षण की वैल्यू कांस्टेंट होती है अगर हमारा बल बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो। तो देखिए, जे इक्वल टू होता है आई ओमेगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ से अगर देखें हम तो ओमेगा की वैल्यू कोणीय वेग की वैल्यू आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आई जड़त्व आघूर्ण का मान घटेगा तो कोणीय वेग का मान बढ़ेगा। और देखिए, अगर कोई लड़का अपने हाथों को सिकोड़ लेता है तो उसकी दूरी घट जाएगी, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो आर घट जाएगा और जड़त्व आघूर्ण का मान घटेगा और कोणीय वेग का मान यहाँ से बढ़ जाएगा। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही होगा कि कोणीय गतिज की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1000 चक्र प्रति सेकेंड आवृत्ति वाली किसी अप्रगामी तरंग में एक निस्पंद तथा एक प्रस्पंद के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग का वेग पूछा है आपसे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए दो निस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है, और एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के जो बीच की दूरी होती है वो लैम्डा बाई 4 होती है। तो आपको दे रखा है एक प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करके 10^-2 का इंटू करके लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 10^-2। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू तरंग दैर्ध्य की वैल्यू 40^-2 मीटर होगी, और वी इक्वल टू अगर यहाँ एन लैम्डा लगाएं, एन की वैल्यू 1000 आवृत्ति गिवन है, लैम्डा की वैल्यू 40^-2 लगाया तो इसका जो आंसर होगा 400 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, तो वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसका 400 मीटर पर सेकेंड राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता कैपेसिटी 3 माइक्रोफेरेड है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोग की धारिता यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, और ईच कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 3 माइक्रोफेरेड है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। श्रेणी क्रम में कुल धारिता निकालने का ये सूत्र है टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए। C1, C2, C3 की वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, सॉल्व करके आंसर आएगा 1 माइक्रोफेरेड, तो इसका होगा टोटल कैपेसिटी 1 माइक्रोफेरेड। तो हमारे क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन 1 माइक्रोफेरेड राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 100/x² लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये x डायरेक्शन में है, तो x इक्वल टू 10 से x इक्वल टू 20 के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, चेंज करने पर वैल्यू वी की कितनी होगी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, v निकालने के लिए x डायरेक्शन में v निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ex इंटू dx 10 से 20 तक का इंटीग्रेशन कीजिए, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ex की वैल्यू 100/x² रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 100/x आता है, लोअर लिमिट 10 है और हायर लिमिट 20 है, तो यहाँ इसकी जो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 100 1/20 - 1/10 सॉल्व करके यहाँ पे होगा -5 वोल्ट, तो इतने का चेंज होगा। तो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए में सी ऑप्शन इसका 5 वोल्ट राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े पर दो कुंडलियाँ एक दूसरे के ऊपर लपेटी गई हैं। यदि प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व 0.1 हेनरी हो तो इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आपसे निकालनी है। तो देखिए, सेल्फ इंडक्शन गिवन है कुंडलियों का, कॉइल्स का, और आपको म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, सेल्फ इंडक्शन दे रखा है आपका L1 L2 0.1 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्शन M इक्वल टू होता है K रूट L1 इंटू L2। तो देखिए, K की वैल्यू अगर आइडियल कपलिंग है तो इसकी K की वैल्यू 1 होती है, कांस्टेंट की वैल्यू। L1 L2 की वैल्यू आपको 0.1 हेनरी गिवन है, रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 हेनरी, जो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में ए ऑप्शन 0.1 हेनरी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक दोनों सिरों पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति 512 हर्ट्ज़ है, यानी कि अगर पाइप दोनों सिरों पर खुला है तो इसकी आवृत्ति 512 हर्ट्ज़ है। यदि इसका एक सिरा बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि क्लोज्ड पाइप हो जाए तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए खुले पाइप के लिए n इक्वल टू v अपॉन 2l होता है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और बंद पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l होती है। जब इसमें हम रिलेशन निकालेंगे तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू 2 होगा, और आपको अगर n2 की वैल्यू मतलब खुले पाइप की मूल आवृत्ति निकालनी है तो पहले की आवृत्ति में n1 में 2 से डिवाइड दीजिए, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 256 हर्ट्ज इसका आंसर होगा, यानी कि बंद आर्गन पाइप की जो आवृत्ति होगी 256 हर्ट्ज होगी। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका 256 हर्ट्ज राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि क्रम से DO, DE, FO और FE एक टेलीस्कोप अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के व्यास और फोकस दूरी हो तो समुचित अनुपात का मान क्या होगा, यानी कि ऑप्टिकल रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए DO जो है वो आपका ऑब्जेक्ट लेंस की डायामीटर है, DE नेत्रिका लेंस की डायामीटर है, FO ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी है, और FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो देखिए, आपसे लर्न कर लीजिए, इसका जो अनुपात होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो बी ऑप्शन सही है, DE अपॉन DO इक्वल टू FO अपॉन FE के इक्वल टू ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेंसों में गोलीय विपथन का कारण क्या है, यानी कि स्फेरिकल एब्रिएशन का कारण क्या है, क्या इसका रीज़न है। तो देखिए, इसमें से इसका जो रीज़न है वो बी ऑप्शन सही है, उपाक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना, यानी कि अलग अलग फोकस दूरी की वजह से अलग अलग कलर प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो गोली विभेदन का जो कारण है वो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यंग के प्रयोग में झिर्रियों की दूरी स्मॉल डी इक्वल टू 10^-2 मीटर, झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी इक्वल टू 3 मीटर तथा बैंडों की चौड़ाई, जो बैंड चौड़ाई है, बैंड विड्थ है, वो 2.1 × 10^-3 मीटर पाई गई है। तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के रंग का मान कितना होगा, यानी कि किस प्रकार का रंग होगा, इसमें दे रखा है बैंगनी, हरा, पीला और लाल में से कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, यंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जानते हैं फ्रिंज जो विड्थ होती है, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो बीटा डी अपॉन कैपिटल डी, बीटा की वैल्यू रखिए, फिर मैं देखिए फ्रिंज चौड़ाई रखिए, स्मॉल डी की वैल्यू रखिए, और कैपिटल डी की वैल्यू रखने के बाद में 7000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आता है वेवलेंथ का, और वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली रेड कलर की होती है। तो हमारी जो कलर है उसमें वो रेड कलर ही हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारे दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन इसका रेड कलर सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यह मूल SI मात्रक नहीं है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा SI मात्रक नहीं है,
ए देखिए एम्पियर, बी कैंडेला, सी इसका न्यूटन और डी इसका कैल्विन। तो देखिए न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है, तो एम्पियर, कैंडेला, कैल्विन ये तीनों के तीनों एसआई मात्रक होते हैं, जबकि न्यूटन हमारा एसआई मात्रक नहीं होता। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी अप्रगामी तरंग के तरंगदैर्ध्य के पदों में किन्हीं दो क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है, यानी कि दो जो सक्सेसिव नोट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो देखिए चाहे दो नोट्स हों चाहे दो एंटी नोट्स हों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा अपॉन टू के इक्वल टू होती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जब पारदर्शी पदार्थ के समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है इसका समांतर होती हैं, बी 45 पर झुकी हुई होती हैं, सी 60 पर झुकी हुई होती हैं, या फिर लंबवत होती हैं। तो देखिए अपवर्तित और परावर्तित दोनों प्रकार की किरणों के बीच में लंबवत मतलब लंबवत का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ये दोनों लंबवत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक अवर्णक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क से जिनकी क्षमताएं प्लस के 12 डायप्टर और माइनस के 8 डायप्टर हैं बना हुआ है, इस युग्म की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए अगर पावर प्लस की है तो वो उत्तल लेंस होगा, और अगर माइनस की पावर है तो अवतल लेंस होगा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं फोकस दूरी कॉम्बिनेशन की। तो देखिए कॉम्बिनेशन की पावर अगर निकालें तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू 12, P2 की वैल्यू -8, यानी कॉम्बिनेशन की पावर होती है प्लस के 4 डायप्टर। और कॉम्बिनेशन की अगर फोकस दूरी निकालें 100 अपॉन P, ये आप जानते होंगे 100 अपॉन 4 से डिवाइड देखें 25 सेंटीमीटर का राइट ऑप्शन होता है। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से ए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी समय पर एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू 5t³ - 100t + 300 बेबर होता है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड समय पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग बल का मान कितना होगा। तो 2 सेकेंड पर इसका प्रेरित वैद्युत भाग बल का मान कितना होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए फाई की वैल्यू आपको गिवन है, फाई इक्वल टू ये आपको गिवन है ऊपर, और ईएमएफ निकालना हो तो आप जानते हैं ईएमएफ इक्वल टू -dφ/dt कीजिए, फाई को फ्लक्स की वैल्यू को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू होगी -15t² + 100। और 2 सेकेंड के बाद में आपसे पूछा है तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड लगाइए, तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 40 वोल्ट। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में 40 वोल्ट यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक एक्सरे फोटोन जिसकी तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है की ऊर्जा कितनी होगी। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है उसकी एनर्जी कितनी होती है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं E इक्वल टू hc/λ होता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए H और C की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 12375 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल टू होती है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम लगाइए, तो इसका आंसर आएगा 12.375 × 10³, और इसको आप 12.3 KeV लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका 12.3 K kilo electron volt इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आपके फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छी तरह देख लीजिए, और ये आपके एग्जाम के पर्पज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।